अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज़ निकम्मी या नाकारा नहीं है। उस चीज़ को बनाने का मकसद क्या है, उससे हासिल फ़वाद क्या हैं, ये अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानता है। काफ़ी साल पहले की बात है कि फ़्रांस की हुकूमत ने काली मक्खी से तंग आकर उसे ख़त्म करने का मनसूबा बनाया और इस मंसूबे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू किया गया और मक्खियों को तलफ करने की एक बड़ी मुहिम चलाई गई। ये अमल कोई 6 महीने चला होगा और फिर एक ऐसा वक्त आया कि फ्रांस में एक भी काली मक्खी बाकी न बची और इसे फ्रांस की हुकूमत ने बहुत बड़ी कामयाबी समझा। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? उस साल फ्रांस में गंदम की फसल की पैदावार नहीं हो सकी। किसानों के साथ साथ हुकूमत और ज़री एक्सपोर्टर्स बहुत परेशान हुए कि आखिर ऐसी कौन सी खराबी पैदा हो गई है कि गंदम के सिट्टे चंद इंच के होकर खुद ही मुरझाने लगे और गल सड़कर गिरने लगे। काफ़ी तहकीक और तजर्बों के बाद ये चीज़ साबित हुई कि वो काली मक्खी उन मुजर और मोहलिक बैक्टीरियाज को खा जाती थी जो गंदम की फसल को तबाह करते थे या उगने से रोकते थे। चूँकि अब कोई काली मक्खी बाकी नहीं बची तो फिर उन बैक्टीरियाज ने गंदम की फसल पर हमला कर दिया और नतीजतन फ्रांस में कहीं भी गंदम की फसल पैदा नहीं हो सकी। आखिर फ्रांस की हुकूमत को बैरून मुल्क से काली मक्खियां इंपोर्ट करनी पड़ी और फिर कहीं जाकर उनका यह मसला हल हुआ। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रोजाना 2 करोड़ शहाबिये जमीन के मदार में दाखिल होते हैं और इनकी रफ्तार 30 मील फी सेकंड होती है। अगर इनकी ज़मीन पर बारिश हो जाए तो ज़मीन आनन फानन टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन अजीब बात है कि ज़मीन की सतह से 50 मील तक एक हिफाजती पर्दा ओजोन लगा हुआ है। ये पर्दा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। चुनाचे जो भी शहाबिया ज़मीन के मदार में दाखिल होता है वो जल कर राख हो जाता है। साइंस हमें सिर्फ इस तह की हकीकत तो बता सकती है, ये नहीं बता सकती कि इस तह को किसने बनाया है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नाजरीन, इस ओजोन को इसी बड़ी अजीम हस्ती ने बनाया है जो कायनात में शहाबियों के कानून का भी बनाने वाला है। वो हस्ती चाहती है कि जमीन पर मेरी मखलूक सुकून से रह सके, यकसू होकर मेरी तखलीकात में गौर करे और फिर मेरी मार्फत हासिल करे। खुदा की मार्फत बिल्कुल ही मामूली बातों से हो सकती है, बशर्त यह कि इंसान अकल पर ढिठाई का पर्दा हटा कर देखे। तो ज़मीन पर देखिए, दरख्तों पर फल लगे हुए हैं जो ज़िंदगी की ज़मानत है। जो फल खाने के काबिल नहीं, इनसे इंसान दूसरे बेशुमार फ़वाद हासिल करता है। ये भी इंसान की ज़िंदगी को ज़मीन पर आसान बनाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी है। दोस्तों, ज़मीन पर बारिशों और हवाओं का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। हवाएँ समंदरों से खारे और कड़वे पानी को उड़ा कर बादल बनाती हैं। इन बादलों को खुश्क और प्यासी ज़मीन पर बरसा देती हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब ये पानी ज़मीन पर गिरता है तो खारा और कड़वा नहीं बल्कि मीठा होता है, ताकि ज़मीन पर रहने वाले इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बादलों में जब ये पानी होता है तो बिजली कड़कने से इस पानी में कसीर मकदार में नाइट्रोजन शामिल हो जाती है। यही नाइट्रोजन जब किसी ज़री ज़मीन पर पड़ती है तो इसकी पैदावारी सलाहियत में कई गुना इजाफा कर देती है। ये भी कोई इत्तफाक नहीं बल्कि ये बड़ी ज़बरदस्त मनसूबाबंदी है। अनाज का एक दाना जब पैदा होता है तो कभी गौर करना इसमें कितने इत्तफाकात शामिल होते हैं। ज़मीन में ज़री क़ुव्वत का होना ज़रूरी है, दर्जा हरारत का एक ख़ास सतह पर होना चाहिए, बारिश बर वक्त होनी चाहिए, सूरज की हरारत भी मुनासिब मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अमल भी तकमील को पहुँचना चाहिए, पानी की सैराबी भी एक हद तक और मुकर्रर वक्त पर होनी चाहिए। नाज़रीन, कभी अपनी मुट्ठी में गंदम भर के नीचे गिराते हुए सोचना कि इसके हर हर दाने में बेशुमार चीज़ों ने अपना हिस्सा डाला है। बेशुमार अवामिल ने इंसान के पेट की आग बुझाने के लिए शराकत दारी की है। ये एक अजीम मनसूबा साज हस्ती की ज़बरदस्त हिकमत अमली है। इंसान की खुराक को देखिए, वो गंदम के दाने पीस कर खाता है। ये आटा जब इसके जिस्म में पहुँचता है, जो किसी भी लिहाज से गंदम से मुशाबत नहीं रखती और ना ही इसमें गंदम के ख्वाहिश पाए जाते हैं, मसलन जिस्म में जाने के बाद किसी जगह इस गंदम से खून बनता है,
किसी जगह हड्डी बनती है, कहीं गोश्त बनता है, कहीं चर्बी, और एक खास जगह पर वो नुतफा बनाता है। वो नुतफा जो इसी इंसान जैसे हजारों इंसान पैदा करने की काबिलियत रखता है। एक और हैरत अंगेज बात देखिए, जमीन पर इंसान को जिस चीज की जितनी जरूरत है वो इतनी ही ज्यादा मिकदार में है, और जिस चीज की जितनी कम जरूरत है वो इतनी ही कम है। दोस्तों, इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हवा, ऑक्सीजन है, और जमीन पर इंसानों के लिए ऑक्सीजन इतनी आम और वाफिर है कि दुनिया की कोई चीज ऑक्सीजन के वजूद से खाली नहीं। हवा के बाद इंसानी जिंदगी के लिए सबसे अहम पानी है, और पानी के जखीरे समंदरों, बादलों, ग्लेशियर्स में रख दिए गए हैं। पानी के बाद इंसान के वजूद के लिए सबसे अहम गिजा और खुराक है, और पूरी जमीन को खुराक के उगाने की सलाहियत दे दी गई। नाज़रीन, ये इस अजीम हस्ती का चलाया हुआ निज़ाम है जो इंसान को बुनियादी ज़रूरियात के लिए ख्वार नहीं करना चाहता, बल्कि इसे यकसोई से अपनी ज़ात तक पहुँचने का मौका देना चाहता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नाज़रीन, माँ की ममता को देख लें। जब वो अपने नौमलूद को ममता के हाथों प्यार से अपने सीने से लगाती है, इस सीने पर बच्चे की गिज़ा का चश्मा रखा हुआ है। शुरू में बच्चे का मैदा चूंकि कमज़ोर होता है तो माँ का दूध बहुत पतला होता है। कुछ अरसा बाद जब इसका मैदा कुछ ताकतवर हो जाता है तो माँ का दूध गाढ़ा हो जाता है, और जब इसका मैदा इस काबिल हो जाता है कि चिकनाई वगैरह को हजम कर सके तो इसकी माँ के सीने पर गिज़ा का ये चश्मा आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगता है। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज़ को एक मुकम्मल मंसूबा बंदी और ख़ास ज़रूरत के तहत बनाया है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ नाकारा पैदा नहीं की। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ख़वातीनो हज़रात, अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारा सोशल मीडिया पर पेज नॉलेज फैक्ट्री भी आप लाइक कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिर्दोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।